कांग्रेस प्रत्याशी शुभानंद मुकेश के समर्थन में जनसभा का आयोजन। विधायक अजीत शर्मा, दीपिका पांडे सहित कई नेताओं ने जनसभा को किया संबोधित। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। भागलपुर के कहलगांव से कांग्रेस प्रत्याशी शुभानंद मुकेश ने आज विधानसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन करवा लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी शुभानंद मुकेश ने नामांकन के लिए रवाना होने से पहले कहलगांव स्थित अपने आवास पर पूजा अर्चना की। इसके पश्चात वह महागठबंधन के कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज के साथ नामांकन करने एसडीओ कार्यालय के लिए रवाना हो गए। इस दौरान शुभानंद मुकेश ने अपने पिता सदानंद सिंह के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि वह इन सभी कार्यों को एक नई गति देने का काम करेंगे। इसके साथ ही शुभानंद मुकेश ने विपक्षियों द्वारा विरासत की सियासत के लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि कहलगांव की पार्टी ने प्रत्याशित पिता के कहने पर नहीं, बल्कि वह पिछले कई महीनों से क्षेत्रवासियों की सेवा में लगे हुए थे, जिसके पश्चात आम लोगों के कहने पर पार्टी में उन्हें प्रत्याशित बनाया गया। वहीं उन्होंने कहा कि वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं, जबकि पेशे से इंजीनियर हैं और एक अच्छी कंपनी में नौकरी छोड़कर इसलिए यहां आए हैं कि उनके इस अनुभव का लाभ क्षेत्र के युवाओं को मिले। शुभानंद मुकेश ने चुनाव में जीत मिलने के बाद कहलगांव में इंडस्ट्रीज लगाने, कृषि के लिए समुचित व्यवस्था करने जैसी कई कार्यों को मूल रूप देने की बात कही। उन्होंने 5 सालों में प्रदेश भर में कहलगांव को नंबर 1 बनाने का दावा किया। यहां आपको बताते चलें कि कांग्रेस प्रत्याशी शुभानंद मुकेश के लिए सदानंद सिंह कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हैं। इसके साथ ही उन्होंने पिछले कई दफा कहलगांव का प्रतिनिधित्व किया है। विधानसभा अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई विभागों का भी उन्हें जिम्मा मिला था। बावजूद इसके उम्मीद में अनुरूप क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। इस सब के बीच शुभानंद मुकेश ने अपने पिता सदानंद सिंह के द्वारा विधायक निधि से विधानसभा के सन्हौला, गोडाडी और कहलगांव में 368 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न योजनाओं में किए गए कार्यों का एक बुकलेट के माध्यम से लेखा जोखा प्रस्तुत किया। इसी कड़ी में महागामा के कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे ने शुभानंद मुकेश के समर्थन में जमकर कसीदे भी पढ़े। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक सदानंद सिंह ने अपनी विरासत शुभानंद मुकेश को नहीं सौंपी, बल्कि इन्होंने खुद अपने कार्यों से लोगों का दिल जीत लिया है। दीपिका पांडे ने कहा कि वह सदानंद सिंह के कारण ही विधायक बनी है, इसलिए उसके पास सदानंद सिंह का ऋण है। उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से हाथ जोड़कर अपने इस ऋण को उतारने के लिए शुभानंद मुकेश को वोट करने की अपील की। वहीं दूसरी ओर जनसभा को संबोधित करते हुए भागलपुर के नगर विधायक अजीत शर्मा ने एक ओर जहां विधायक सदानंद सिंह के द्वारा किए गए कार्यों को चुन चुन कर गिनाया, वहीं उन्होंने जर्जर NH-80 के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को जमकर कोसा। विधायक ने इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी शुभानंद मुकेश को विजयी माला भी पहनाया। सारा काम होगा कि सरकार मेरी होगी और शुभानंद मुकेश जी आपसे कंधा में कंधा मिला के चलने का विकास का काम करेंगे। मैं भी इनके साथ हूँ, भागलपुर से मैं भी चुनाव लड़ूंगा, इसलिए दोनों मिलके भागलपुर जिला साथ में सुल्तानगंज में ललन यादव जी को प्रत्याशी बनाया गया है। वह भी अच्छे व्यक्ति है, वह भी चुनाव जीतेंगे और आपका आशीर्वाद रहा तो मुकेश जी जीत के हमारे साथ विधानसभा में बैठेंगे और पूरे भागलपुर जिला कहलगांव का विकास करेंगे। क्योंकि वक्त बहुत हो गया है, लेकिन आप अगर जनता कहें कि तो विजय माला आपकी तरफ से पूरे कहलगांव की जनता की तरफ से या अजीत शर्मा विधायक पर जाके तो मैं इनको पहला मेरे काम करूंगा। हाथ उठा के बोलिए क्या विजय माला नीतीश कुमार बैठे हैं, उसी भाई बहन सभी मजदूर को लाने का कोई काम नहीं किया, वो पैदल भूखे प्यासे अपने अपने घरों रुके हैं। जैसे मेरा बेटा अमेरिका में नौकरी करता है, क्या उसका अधिकार नहीं आके हमारे घर आने का, उनको आने नहीं दिया गया, रोक दिया गया, उनको पैदल मजबूरा रहना पड़ा। इस बार कोरोना महामारी में इलाज देखिए स्वास्थ्य क्या हाल हुआ, कोई भाई बहन का इलाज सही ढंग से नहीं हुआ, लोग कैसे देखते थे हमने देखा है। भागलपुर हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में दवाई जो किया जाता था पेशेंट को 5 फीट दूर से फेंक के
खाना कैसे दिया जाता था, बल्कि लाठी से ठेल के ये वहां के लोग कर्मचारी और डॉक्टर्स किया करते थे, जिसके बोर्ड पर आप सत्ता में बैठे हैं। क्या ये मानवीय चीज देखा है आपने? इसलिए इस बार कोरोना महामारी में कोई काम सरकार ने नहीं किया है। और आपको बता दें, जो माहौल बिहार का है, इस बार वहां गठबंधन की सरकार, कांग्रेस और भाजपा की सरकार बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80, 8228956905, या रजिस्टर करें MSWT बिहार.com पर।